नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं निकिता शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के साथ। तो अभी जैसे कि हमें बता दूँ कि मैं जो हूँ यहाँ पर परवानू हूँ, बस अड्डे के पास खड़ी हूँ, या फिर ये कह सकते हैं हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि हॉस्पिटल परवानू का हॉस्पिटल जो है सरकारी अस्पताल है, और जो यहाँ का मेन बस अड्डा है परवानू का, जहाँ से शिमला सोलन की बसेज जो जाती हैं, और मैं वहीं खड़ी हूँ इस वक्त। तो मैं स्पेशली मुद्दा ये रहा है कि स्वच्छता अभियान को लेकर, बिल्कुल स्वच्छता अभियान यहाँ चलाया गया है। बीच में पहले भी यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ जन्मदिवस था, उस दौरान भी यहाँ पर 7 दिन का यहाँ पर सफाई अभियान भी चलाया गया। उससे पहले भी यहाँ पर जो है 15 दिन का सफाई अभियान चलाया गया। तो जब सफाई अभियान चलाया गया तो केवल ये सफाई अभियान कुछ ही क्षेत्रों में दिखा, जहाँ पर उनके रिजल्ट्स भी दिखे। लेकिन अभी जहाँ मैं आई हूँ, मैं वहाँ का आपको नज़ारा दिखाना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि मैं इस वक्त जो हूँ परवानू सरकारी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ। और अस्पताल के बाहर की अगर मैं आपको मंजर दिखाऊं, तो आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर होगा कि अब जो है सफाई अभियान यहाँ किया जाता है, कि यहाँ पर सफाई अभियान चलाया जाता है, तो धरातल पर उसकी क्या रिपोर्ट है, वो हम आपको यहाँ ज़रूर दिखाना चाहेंगे। तो आइए, चलिए हम सबसे पहले आपको यहाँ का जो धरातल है वो ज़रूर दिखाएंगे, कि यहाँ का क्या हालात हैं, अस्पताल के बाहर का क्या स्थितियाँ हैं वो भी दिखाएंगे, साथ ही आपको यहाँ ज़रूर बताना चाहेंगे। तो देखिए, ये हॉस्पिटल है परवानू मेन हॉस्पिटल, और जैसे कि आप सभी जानते हैं लगातार यहाँ पर जो है केसेस निकल रहे हैं, कोविड पॉजिटिव के लगातार केसेस आ रहे हैं। सैनिटाइजेशन यहाँ पर अंदर ही अंदर की जा रही है, मरीज़ अपने रेगुलर चेकअप के लिए भी यहाँ आ रहे हैं, और भी अन्य बीमारियों के लिए यहाँ पर लगातार मरीज़ चले हुए हैं, आवाजाही चली हुई है। लेकिन उस बीच देखना ये रहता है हॉस्पिटल के अंदर की स्थिति के अलावा बाहर के क्या हालात हैं, हॉस्पिटल के बाहर क्या साफ़ सफाई रखी गई है, क्या देख रेख है, वो भी ज़रा हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा बारीकी से दिखा देते हैं। तो ये अस्पताल का मेन गेट है, मेन गेट के बाहर ये गंदगी, ये इसकी बैक साइड है, मेन फ्रंट ही कह सकते हैं इसको। तो देखिए, ये अस्पताल की साफ़ सफाई है, हर तरफ जंगल ही जंगल हुआ हुआ है, जिनसे कि अन्य कई बीमारियों का खतरा बना हुआ है सभी के लिए। यहाँ पर जो है लोगों की आवाजाही चली हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है अस्पताल है। अपना नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम मोहित कुमार है। सर, आप यहीं के रहने वाले परवानू के? कितने सालों से रहे? कालका के हैं। आप यहाँ पर आते हैं इलाज वगैरह के, या फैमिली मेंबर्स को लेकर आते हैं? तो यहाँ के अगर जैसे हालात हैं यहाँ पर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कितनी गंदगी है बाहरी इलाके में, अंदर का भी हमें पता है सादा कुछ नहीं है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं है ये भी पता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर संज्ञान देना चाहेंगे सभी को कि यहाँ पर क्या है? सर ये देखो, ये मैम ये देखो, ये कल परसों से आए हुए हैं ये डॉक्टर, इधर आइए प्लीज़। आइए सर, यहाँ पे आइए, बताइए क्या प्रॉब्लम है, कब से आप आए हैं? आपको देख रेख तो चलो हमने देख ली, सफाई तो यहाँ पर है नहीं, और क्या यहाँ बताना चाहेंगे? डॉक्टरों के क्या हालात हैं? डॉक्टरों के कल भी आए थे, कल तो मतलब थोड़ा फोर स्टेज थे नहीं मेरे पास बैंक के लिए। आज भी आए हैं, आज वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, आज ही डॉक्टर नहीं है वहाँ पर, यहाँ पर आज डॉक्टर नहीं है। हाँ जी, 2 दिन हो गए हैं लगातार यहाँ से केसेस भी आ रहे हैं, और आपको डर भी लगता होगा यहाँ पर आने से, जाहिर सी बात है केसेस आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव का यहाँ लिखा तो नहीं है कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, तो उस दौरान भी आप आ रहे हैं, सभी के लिए खतरा है, दिल को सबके लिए खतरा है, सभी के लिए खतरा है। और डॉक्टर टाइम पे आ नहीं रहे हैं, कि आ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और ये यहाँ पे सुबह से 10 बजे से खड़े हुए हैं, कोई डॉक्टर का पता नहीं है टाइमिंग। आप किस पर्पज से आए हैं यहाँ पर? हम जैसे अंगूठे में चोट लग गई थी, ठीक है, इसकी मतलब पेंसिल आती है और रुक गई थी, मैं जनवरी में बीमार हो गया, मैं यहाँ पर पहुँच नहीं पाया था, ठीक है, फिर उसके लिए आया था मैं, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर। तो सर, और आपके आप जैसे कि आप यहाँ रहने वाले हैं तो आपको ज़्यादा बेटर पता होगा, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ की सड़क बहुत बुरे हालात है, जो कि हॉस्पिटल के ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। ये बैक साइड है, मेन फ्रंट है, यहाँ इतनी गंदगी हुई हुई है, हर तरफ जंगल ही जंगल है, कोई यहाँ पर कोई मतलब मैनेजेबल कुछ भी चीज़ नहीं है, कोई सफाई सफाई का कुछ ध्यान नहीं है यहाँ पे, कि कैसे हॉस्पिटल के सामने तो बिल्कुल गंदगी होनी नहीं चाहिए। सरकार है जो कहती है कि मलेरिया किसके कारण फैल रहा है, इसी के कारण फैल रहा है, जाहिर सी बात है गंदगी है, गंदगी के कारण यहाँ मलेरिया फैलेगा, मलेरिया क्या और अन्य बीमारियाँ फैलेंगी। अब यहाँ पर केसेस लगातार, जैसे कि आप जाने परवानू में केसेस भी आ रहे हैं, और सफाई को देखते हुए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बुरा हाल है, बुरा हाल है बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि अभी हम जैसे कि हमारे यहाँ पर लोग जो आसपास के यहाँ रहने वाले लोग हैं, उनसे भी हमने आपकी बात करवाई, बातचीत करवाई, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर ना तो डॉक्टरों की कोई टाइमिंग है आने की,
ना ही यहाँ पर साफ सफाई को लेकर किसी बात पर गौर फरमाया जाता है। जायज़ सी बात है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाहर इतनी गंदगी होना बहुत ही गलत है जी, बिल्कुल बहुत गलत है। यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर इतनी गंदगी है और अंदर पूरी कोई किसी प्रकार का कोई ना, यहाँ पर कोई डॉक्टर टाइम से आते हैं ना, मतलब क्या ये भी कह सकते हैं कि जो मरीज़ है वो 2 से 3 दिन यहाँ पर चक्कर मारते रहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है देश प्रदेश पूरे इलाकों में, और सभी की कोशिश ये रहती है कि अगर वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो एक बार में उनका इलाज हो जाए, दोबारा उनको हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ तो खुद ही डॉक्टर जो है कई दिनों तक आते भी नहीं है, टाइमिंग से भी नहीं पहुँचते हैं। तो हमारी सभी से स्वास्थ्य विभाग हो चाहे यहाँ पर साफ़ सफाई को लेके बात हो, हम यही हमारी गुजारिश है कि इस पर थोड़ा सा संज्ञान ज़रूर लिया जाए, लोगों की स्वास्थ्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ ना किया जाए। अभी तक के लिए इतना ही, मैं निकिता शर्मा आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।